मुल्ला का प्रवचन। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया। मुल्ला समय से पहुंचे और स्टेज पर चढ़ गए। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूं? मुल्ला ने पूछा। नहीं, बैठे हुए लोगों ने जवाब दिया। ये सुन मुल्ला नाराज हो गए। जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेरी उनके सामने बोलने की कोई इच्छा नहीं है, और ऐसा कहकर वो चले गए। उपस्थित लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अगले दिन फिर से मुल्ला नसरुद्दीन को बुलावा भेज। इस बार भी मुल्ला ने वही प्रश्न दोहराया, क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ? हाँ, कोरस में उत्तर आया। बहुत अच्छे, जब आप पहले से ही जानते हैं तो भला दोबारा बताकर मैं आपका समय क्यों बर्बाद करूं? और ऐसा कहते हुए मुल्ला वहां से निकल गए। अब लोग थोड़ा क्रोधित हो उठे और उन्होंने एक बार फिर मुल्ला को आमंत्रित किया। इस बार भी मुल्ला ने वही प्रश्न किया, क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ? इस बार सभी ने पहले से योजना बना रखी थी, इसलिए आधे लोगों ने हाँ और आधे लोगों ने ना में उत्तर दिया। ठीक है, जो आधे लोग जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ वो बाकी के आधे लोगों को बता दे। फिर कभी किसी ने मुल्ला को नहीं बुलाया।